हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार पे। आज मैं आप सबके लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो तो आपको थंबनेल देख करके समझ में आ गया होगा, लेकिन हाँ प्रोडक्ट कैसा है क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दें, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मेरे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओगे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल पे अप्रैल में जो है मेरा बर्थडे मंथ है अप्रैल, और अप्रैल में मेरे चैनल के ऊपर गिव अवे चलने वाले हैं मेरे तीनों चैनल के ऊपर, यानी चैनल जनरल टॉक्स विद छवि, दूसरा चैनल पुणे ब्लॉगर छवि, तीसरा चैनल छवि अश्विनी कुमार, सबके ऊपर गिव अवे चलने वाले हैं। तो जल्दी 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 मेरे सब जगह मुझे आप फॉलो कर लीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल के ऊपर एक्टिव रहें, मेरे वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भर भर के भेजते रहें। दो लोगों को गिव अवे देने वाली हूँ, हो सकता है उसमें से कोई एक आप हो, ठीक है। मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है आपको ट्रेस्मी का यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स न्यू, और इसके बारे में डिटेल में सब कुछ जान लीजिए, इसका प्राइस दी स्टैट सब कुछ जान लीजिए, उसके बाद इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये है ट्रेस्मी यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स और न्यू, और ये आपको केराटिन स्मूथ है, और ये इसके अंदर आपको आर्गन ऑयल भी मिलता है, और ये जो है आपको अप टू 100% आपके बाल को जो है स्मूथ बनाता है। जिसके आप देख रहे हो इसके ऊपर लिखा हुआ है अप टू 100% स्मूथर शाइनी हेयर। और ये जो है मेरे पास जो है आपको 1 लीटर के पैकेजिंग में मैं परचेज की हूँ वो है, और इसका प्राइस इसके ऊपर लिखा हुआ है 800, लेकिन मुझे शायद ये 745 में पड़ा था, उतना मुझे याद नहीं है क्योंकि सारा सामान मंगाई थी तो उसके साथ ही इसे मैं मंगा ली थी। उसके बाद उसका मैं कंडीशनर ले रही हूँ, तो सेम है ट्रेस्मी यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, और ये भी आपको ऑर्गन ऑयल के साथ है। आप सबको पता है ऑर्गन ऑयल जो होता है हमारे हेयर के लिए अच्छा होता है, तो आर्गन ऑयल बेस्ट है। और ये आपको 190 ml के साथ है, 190 ml है, और प्राइस इसका 280 है। आपने इस दोनों के बारे में जान लिया कि इसका प्राइस क्या है, इसका सेल्फ लाइफ क्या है, दीज डैट सब कुछ पता चल गया आपको। अब इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि ये सच्ची में अच्छा है या नहीं। तो ये जो मैं परचेस की हूँ वो 1 लीटर का परचेस की हूँ, और क्योंकि मैं इसको लास्ट तकरीबन 1 ईयर तक यूज़ की थी इस प्रोडक्ट को, तो इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता था कि ये कैसा है क्या है, तो फिर से मैं क्यों छोटा बॉटल लूँ, मैं बड़ा बॉटल ही परचेस कर ली। वैसे भी जब भी मैं परचेस करती हूँ कोई भी प्रोडक्ट, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा बड़ा वाला जो है वो बॉटल लिया जाए। पता नहीं ऐसा सोचती हूँ मैं कि बड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा लास्ट करता है और छोटा लगता है तुरंत ख़त्म हो गया। ऐसा आप लोग भी सोचते हो क्या? मुझे लगता है सब सोचते हैं, हम सारे इंडियंस छोड़ते हैं सोचते हैं कि यार छोटा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो बड़ा ही खरीद लो, है ना, ऐसे ही सोच है हमारी, क्या कर सकते हैं, है ना। तो मैं ये बड़ा वाला जो है वो परचेस की हूँ, और इसके साथ जो है आपको 190 ml का कंडीशनर ली हूँ। लेकिन जहाँ तक बात कर लेते हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है, अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी एक ऐसा शैम्पू जो मेरे बाल को मतलब खूबसूरत रखे, मेरे बाल को ग्लॉसी रखे, मेरे बाल को एकदम रेशम जैसा मुलायम रखे, और मेरे बाल एकदम लहराते दिखे, शादी हुई और जब मैं जाऊँ ससुराल तो मेरे बाल एकदम लहराते रहें, या फिर अगर आपकी शादी हो गई है तो आप चाहते हो मेरे बाल हमेशा खूबसूरत रहे, ग्लोइंग रहे, ग्लॉसी दिखे, शाइन रहे, दीज डैट सब कुछ, और हेयर मेरे स्ट्रेट भी रहे। तो इन सब परेशानी के लिए अगर आप कोई शैम्पू ढूंढ रहे हो तो ये है ना ट्रेस्मी का, ये है ट्रेस्मी का शैम्पू, और ये सच्ची में अच्छा है, और ये वाकई आपके सारे जो मैं बोली हूँ ना उन सब परेशानी का सलूशन है। बड़े बड़े अगर स्पा में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे ट्रेस्मी यूज़ करते हैं, आपका हेयर जो वॉश करते हैं ना तो ट्रेस्मी यूज़ करते हैं, तो ये वाकई बहुत अच्छा है, और इसका कंडीशनर जो है वो भी बहुत अच्छा है। अब ट्रेस्मी को जैसे यूज़ करना है वैसे ही आपको यूज़ करना है, कोई भी शैम्पू को यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, थोड़ा सा शैम्पू लेते हैं, डायरेक्ट कभी भी स्कैल्प में यूज़ नहीं करना चाहिए, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट हो शैम्पू की 3 स्पून या 4 स्पून आप शैम्पू ले लें, एक पान थोड़ा सा पानी ले लें, उसके अंदर इसको डिजॉल्व कर दें यानी कि मिक्स कर दें, उसके बाद अगर आप अपने बाल को शैम्पू करते हो तो आपके बाल ज़्यादा सही रहते हैं। डायरेक्ट कभी भी शैम्पू ऐसे पंप किए लिए और अपने स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए, तो हमेशा शैम्पू जब भी आप लेते हो तो शैम्पू को पानी के साथ मिक्स करो उसके बाद आप लगाओ तो बेटर होता है।
ये वाकई यूजफुल है, ये वाकई बेहतरीन है। एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, अगर आप मुझसे पूछते हो कि छवि मुझे ये परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी आंख बंद करके आप ट्रस्ट मी के इसको, ब्लैक वाले का मुझे नहीं पता, ब्लैक वाला क्योंकि अभी यूज नहीं की हूँ, इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी का जो ये रेड वाला है, आर्गन ऑयल वाला, ये मैं यूज की हूँ, लास्ट 1 ईयर यूज की थी, अभी फिर से मंगाई हूँ, मैं तकरीबन 10 या 15 डेज से यूज कर रही हूँ, और मैं कहूंगी इस प्रोडक्ट को आप वाकई परचेस कर सकते हो, इस प्रोडक्ट को आप परचेस करके पछताओगे नहीं। जहां तक हेयर फॉल की बात है, मुझे हेयर फॉल कंट्रोल में तो ये नहीं दिखा है कि हेयर फॉल मेरे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हाँ, मेरे बाल को स्मूथ बनाता है, मेरे बाल को शाइनी बनाया है, मेरे बाल को ये ग्लॉसी बनाया है, और सबसे बड़ी बात, एकदम से आपके बाल आपको लगेंगे ना मक्खन मुलायम जैसे और स्ट्रेट दिखने वाले हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। इसका प्रोडक्ट लिंक जो है मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जा सकते हो, या फिर ये लोकल मार्केट में भी इजिली अवेलेबल है, तो आप लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हो। अगर आप कोई एक ऐसा शैम्पू ढूंढ रहे हो जो कि शादी के बाद अपने वेनिटिंग बैग में लेकर के जाओ, तो इस शैम्पू को आंख बंद करके आप अपने वेनिटिंग बैग में लेकर के जा सकते हो। ठीक है, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए, प्रोडक्ट रिव्यू करना आपके किसी काम आए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय। और हाँ, कुछ पूछना रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जरूर रिप्लाई करूँगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।